चेहरे औलिया में स्मोक के बादल छा गए। मौजूदा हद निगाह 1500 मीटर रह गई। स्मोक के बाद हद निगाह इंतहाई मुतासर हो गई। शहर औलिया में स्मोक के बादल छा गए। मौजूदा हद निगाह 1500 मीटर रह गई है। स्मोक के बाद हद निगाह मुतासर हो गई है। स्मोक ने शहर औलिया को अपनी लपेट में ले लिया है। हद निगाह का जिक्र कर लें तो 1500 मीटर हद निगाह इस वक्त रिकॉर्ड की गई है। स्मोक के बाद हद निगाह इंतहाई मुतासर हुई है। शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। मुल्तान में बूढ़े, बीमार अफराद और बच्चों को सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ा है। नाक और गले की बीमारियां फैलने का सबब बनने लगी है ये स्मोक। मजीद बात करेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, कहिएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना है और इस वक्त हद निगाह एक्चुअल है कितनी? सुबह से ही शहर ओलिया में स्मोक के जो डेरे हैं वो मंडलाना शुरू हो गए हैं और सुबह की अगर वक्त की बात करते हैं तो आज सुबह स्मोक 800 मीटर तक का जो हद निगाह है वो थी, जो वक्त गुजरने के साथ साथ दोपहर में कम हुई और अब उसके बाद इस वक्त जो मौजूदा स्मोक की सूरत हाल की बात करते हैं तो मौजूदा जो हद निगाह है वो 1.5 किलोमीटर है, जो रात गुजरने के साथ साथ गुजरते वक्त के साथ साथ मजीद जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। शहरियों का इस हवाले से ये कह रहा है कि हुकूमत की जानिब से 7 नवंबर का जो वक्त है वो मुख्तस किया गया था, पॉलिसी बनाई गई थी तमाम स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कि 7 नवंबर को धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और इसके साथ साथ जो भट्टे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन वक्त से पहले ही जो माफियात हैं उनको सामना करना पड़ रहा है और वक्त से पहले ही तमाम मुश्किलात का सामना जो है वो शहरियों को करना पड़ गया। हुकूमत से इस हवाले से शहरियों को ये भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो 7 नवंबर का दिन मुख्तस किया गया था उससे पहले ये तमाम चीज़ों को बंद कराया जाए ताकि शहरियों को मजीद परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अगर इसके साथ डॉक्टर्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स का इस हवाले से ये कह रहे हैं कि सांस की बीमारियां और आंखों के जलन जो है वो इससे पैदा हो रही है, शहरियों को इस हवाले से खास एहतियात जो है वो भी करना चाहिए और इनका इस हवाले से ये भी कहना है कि शहरी अपनी मदद आपके तहत इस हवाले से एहतियात करें और हुकूमत जो है वो इस मामले के अंदर जो नोटिस है उसको जेरे गौर दोबारा से लाए और 7 नवंबर का जो वक्त मुख्तस किया गया उससे पहले ही इन तमाम चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जाए और ये धुआं छोड़ने वाली जो फैक्ट्री और भट्टे हैं इनको बंद किया जाए। जी वसीम, ये कहिएगा यकीनन स्मोक तो अब फैलती ही चली जा रही है और जो हुकूमत की इकदाम है वो तो अपनी तय है ही, जो शहरी हैं वो किस तरह से बच सकते हैं, तिब्बी माहरीन क्या बताते हैं? बिल्कुल, तिबी माहरीन से इस हवाले से बात हुई तो तिबी माहरीन का इस हवाले से ये कहना था कि गुजरते वक्त ऐनक का जो है वो इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो मास्क है वो निहायत जरूरी है क्योंकि सांस की बीमारियों का जो स्मोक है वो सबब बन रही है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे आंख में इस वक्त भी शहर ओलिया में स्मोक का जो डेरा है वो मंडला रहा है। आज सुबह की बात करें तो आज सुबह 800 मीटर हद निगाह थी, जो वक्त गुजरने के साथ साथ दोपहर में धूप के बाइस कम हुई और अब उसके बाद जो हद निगाह है वो दोबारा से कम होना शुरू होते होते अब 1500 मीटर पर रुक गई और 1500 मीटर के बाद जो है ये मजीद कम होना शुरू हो जाएगी। रात जैसे ही गुजरेगी स्मोक की वजह से हद निगाह मजीद मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से मोटरवे जो है उसको भी बंद किया जा सकता है और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो 7 नवंबर का वक्त रखा गया था वो वक्त जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि स्मोक जो है वो उस वक्त तक मजीद बढ़ जाएगी, इसलिए आज से ही तमाम जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हैं और जो भट्टे हैं उनको आज से ही बंद करना चाहिए ताकि जो बढ़ती हुई स्मोक है इस पर काबू पाया जा सके। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहरी औलिया को अपनी लपेट में ले लिया है स्मोक ने और शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर क्या सियासत कर रहे हैं, इदारों को तनकीद का निशाना बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। निशाद खान दाहा का ऐसा कहना है, नवाज शरीफ अगर वाकई शेर हैं तो उनको मुल्क वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ मुल्क वापस आएं और तमाम मुकदमात का सामना करें। नवाज शरीफ बीमार नहीं है ये सबको मालूम है। मैंने नवाज शरीफ और इयाज सादिक के बयान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। निशाद खान दाहा का ऐसा कहना है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। निशाद खान दाहा ने ऐसा कहा है, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर क्या सियासत कर रहे हैं, इदारों को तनकीद का निशाना बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ अगर वाकई शेर हैं तो उनको मुल्क वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ मुल्क वापस आएं और तमाम मुकदमात का सामना करें। नवाज शरीफ बीमार नहीं है ये सबको मालूम है। मजीद जान लेते हैं, अमजद मलिक इस वक्त रुकन सूबाई असेंबली निशाद खान दाहा के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमजद बताइएगा, मजीद का कहना है निशाद दाहा का।
जी बिल्कुल, खानेवाल से मुस्लिम लीग नून के जो के एमपीए हैं निशात खान डाहा, आज इन्होंने मुल्तान प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू भी की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निशात खान डाहा साहब। सर बताइएगा, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और जो बयान दिया गया है आजाद सादी की जानिब से, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? मैं यही कह सकता हूँ कि मैं मुस्लिम लीग की तरफ से बीएंगे मुस्लिम लीग ही मैं शर्मिंदा हूँ। उसने बहुत बगैरती के ये बयान नहीं देना चाहिए था और इसीलिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि काश मेरा बस चलता। उन्होंने इतना गंदा बयान दिया, वो कहाँ से कहता है मैं मुस्लिम लीग हूँ? मुस्लिम लीग ने तो पाकिस्तान बनाई है, तो अब शीन नून पता नहीं क्या क्या बन गई। मुस्लिम लीग सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, बस और कोई मुस्लिम लीग नहीं। नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं और इस हवाले से बताइएगा, और साथ ये भी बताइएगा कि आज आपने नून लीग के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आप तरीके इंसाफ में जा रहे हैं या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रहे हैं? नहीं, मैं कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहा, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग के जो वो दोस्त जिनका जमीर जिंदा है, मैं उनसे मिन्नत करता हूं। मैंने चीफ जस्टिस से भी मिन्नत की है कि मेहरबानी करें, सुबह मोटो नोटिस ले, ये इतने बड़े बयान हो रहे हैं, इन पर नोटिस ले और ये गलत हो रही है, मुल्क के लिए खतरनाक है। और क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस हवाले से बताइए? नहीं, मैं नून में मैं किसी को ज्वाइन करने नहीं जा रहा। सर मियां साहब लंदन बैठे हैं और पीडीएम के जलसे भी हो रहे हैं, इस हवाले से बताइएगा, जलसों को कितना कामयाब समझते हैं आप? जो लंदन में बैठा है वो क्या सियासत कर रहा है? अगर वो वाकई शेर है तो वो आए यहाँ पर पाकिस्तान में, अपने केस जो है फेस करे। बीमार तो अब नहीं रहा, ये तो फारे पाकिस्तान को पता लग गया कि वो बीमार नहीं है, एक दिन भी हॉस्पिटल में नहीं रहा, तो भाई आ जाए यहाँ पर, लोगों को लीड करे। ये जो कुछ हो रहा है ये कर रहे हैं ना, ये अपनी तबाही के लिए खुद ही गड़ा खोद रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान में उधर बैठा रहे, आपको सुभाष शरीफ को जेल में किसी ने नहीं किया, सुभाष शरीफ खुद जेल में गया, आपको पता है कि नहीं? मानते मानते हैं ना, तो खुद जेल में गया, मैं आराम से दो महीने काट लूं। उसके कोई वारंट थे, उसने जाकर जमानतनामा वापस ले लिया, उन्होंने कहा मुझे जेल भेजो, मैं यहां से जेल में आराम से रहूंगा, वो चला गया जेल। अब कहते हैं हमें जी पीटीआई ने अंदर क्या, फलां ने अंदर क्या, अरे भाई जब जमानत वापस लोगे तो जेल ही जाओगे ना। ये मौलाना साहब वो बच्चे जो है उनको यहां पढ़ने के लिए दाखिल किया है या उनको जलसों में के लिए जमा किया है? ये गलत है, बच्चों को पढ़ने दें, उनका फ्यूचर है, उनका फ्यूचर ना तबाह करें। आपने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तरीके इंसाफ के जो अरकीन हैं वो आपसे रबते में हैं, क्या तरीके इंसाफ ज्वाइन? मुस्लिम लीग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की मैंने, मुस्लिम लीग में वो लोग जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीगी है जो मेरे मुल्क के खिलाफ बोल रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ की है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ निशात दास साहब मौजूद है मुस्लिम लीग नून के एमपीए खानेवाल से, और इनका यही कहना था कि अभी तक मैं नून लीग का हिस्सा हूं। और जो अमजद मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहावलपुर और हिमया खान के चोलिस्तानी इलाकों में शिकार से वाइल्ड लाइफ अफसरान तंग आ गए, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने दफा 144 का निफाज कर दिया। रहीमया खान और बहावलपुर के चोलिस्तानी इलाकों में असलहा रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई, 4x4 गाड़ी को भी चोलिस्तानी इलाकों में जाने की इजाजत नहीं होगी। बहावलपुर और रहीमया खान के चोलिस्तानी इलाकों में शिकार से वाइल्ड लाइफ अफसरान तंग आ गए, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने दफा 144 का निफाज कर दिया। रहीमया खान और बहावलपुर के चोलिस्तानी इलाकों में असलहे रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, 4x4 गाड़ियों को भी चोलिस्तानी इलाकों में जाने की इजाजत नहीं हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने दफा 144 का निफाज कर दिया है, बहावलपुर और रहीमया खान के चोलिस्तानी इलाकों में शिकार से वाइल्ड लाइफ अफसरान तंग आ गए, रहीमया खान और बहावलपुर के चोलिस्तानी इलाकों में असलहा रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, साथ ही साथ 4x4 गाड़ियों को भी चोलिस्तानी इलाके में जाने की इजाजत नहीं होगी। बहावलपुर और रहीमया खान के चोलिस्तानी इलाकों में शिकार से वाइल्ड लाइफ अफसरान तंग आ गए हैं, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने दफा 144 का नफाज कर दिया है, रहीमया खान और बहावलपुर के चोलिस्तानी इलाकों में असलह रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे महमूद जहीर से। महमूद बताइएगा, दफा 144 नाफिज कर दी गई? जी नाम, इस हवाले से काफी शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसके हवाले से डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ने फौरन तौर पर एक्शन लेते हुए बहावलपुर और जो रहीमया खान का चोलिस्तान का एरिया है जहां पर इनलीगल हंटिंग की जाती है, खासतौर पर हिरनों वगैरह की,
तो उसके हवाले से फौरी तौर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके तहत उन एरियाज में जो चोलिस्तान के बॉर्डर के और साथ के एरियाज हैं जिनमें चोलिस्तानी एरिया है जहां पर शिकार होता है, वहां पर वेपन लेकर फिरना या वेपन का नजर आना ममनू कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। और उसके साथ साथ 4x4 जो गाड़ियां हैं वो भी उन इलाकों में देखी जाएंगी, तो उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन इलाकों में बहुत ज्यादा इलीगल वेपन और इलीगल हंटिंग का मामला शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से फौरी तौर पर 144 की दफा लगाई गई। इलीगल हंटिंग और इलीगल वेपन की शिकायत थी और दफा 144 नाफिज कर दी गई। महमूद, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि इस खातून के मुताबिक 9 घंटे गुजर गए, लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से एमएलसी जारी नहीं हो सकी। एमएस डॉक्टर जिया अंजुम का कहना है कि मॉर्निंग और इवनिंग की लेडी डॉक्टर 3 डोज से छुट्टी पर है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे तैमूर अतहर से। तैमूर बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ THQ अस्पताल सरवर शहीद में। खातून को तशद्दुद किया गया है और तशद्दुद वाली खातून को अस्पताल में लाया गया है। सुबह 8 बजे इस खातून को अस्पताल में लाया और अब तक लेडी डॉक्टर जो है वो नहीं आई, और बताया ये जा रहा है कि मॉर्निंग और इवनिंग की जो लेडी डॉक्टर हैं वो 3 रोज से छुट्टी पर हैं। और THQ अस्पताल जो 160 चक्कू के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई भी यहाँ पर लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किल का सामना है। ये खातून और इनके साथ बुजुर्ग जो इनके लवाकीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से इनकी जो MLC है वो नहीं बन पा रही। हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। चाचा जी, आप मुझे बताइएगा कितनी देर होगी आपको यहाँ पे आए हुए? लेडी डॉक्टर कोई आई है, कोई पूछने आया आपसे यहाँ? हमारे पास कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं आया, ना कोई बड़ा डॉक्टर आया। थाने में से उन्होंने यहाँ भेज दिया हमें, ना मेरे ना बेटी की देखभाल करी, ना कोई चीज करी। सुबह 8 बजे से जाना, हम धक्के खा रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। हमें इतना परेशानी है जिसकी कोई याद नहीं। औरत हो गए, इसको घर के अंदर कूट के गए हैं, इसको जख्म है, कोई इसको देखने के लिए नहीं है। आप मुझे बताइएगा, तशद्दुद किया गया आपके ऊपर, फिर पुलिस ने आपको अस्पताल भेज दिया है MLC के लिए, कोई लेडी डॉक्टर आई है, क्या कहते हैं, कितने घंटे से आप अस्पताल में मौजूद हैं, कोई आया आपके पास? 8 बजे से हम इधर हैं और कोई भी मेरे पास नहीं आया। जो उधर से इमरजेंसी में से एक टीका लिखा है वो लगाया या ड्रिप लगी है मुझको, दोबारा से मेरे पास कोई नहीं आया। कहते हैं छुट्टी पे है डॉक्टर, छुट्टी पे है डॉक्टर, छुट्टी पे। कोई भी इधर मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं बड़ी परेशान हूँ, बहुत बहुत परेशान हूँ, कोई भी नहीं सुन रहा है मेरी बात। आज बिल्कुल ये खातून है जिसको तशद्दुद किया गया है, पुलिस ने तो अस्पताल में भेज दिया, MLC का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन THQ अस्पताल सरवर शहीद में लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है। मॉर्निंग और इवनिंग वाली जो लेडी डॉक्टर हैं दोनों ही छुट्टी पे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाली जो फीमेल यहाँ पे मरीज हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सुबह 8 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं, अभी तक इनसे किसी ने पूछा नहीं है। अमर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुहिम का जिक्र कर लेते हैं। लैया में पुलिस से बचाव की 5 रोजा मुहिम जारी है। मुहिम के आखिरी दिन डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़िया की सरबराही में रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें CO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला ने DC को ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा। बिल्कुल, पोलियो के बचाव के कतरे के पिलाने के हवाले से जो कौमी मुहिम है उसके तहत जिला लैया के अंदर 3 दिन की पोलियो मुहिम, उसके साथ साथ 2 दिन के कैचअप डे का जो हम मुकम्मल किए जाने के बाद आज डिप्टी कमिश्नर लैया अजफर ज़िया ज़ेर सदारत एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर CO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला सामटे और दीगर जो पोलियो के फोकल पर्सन है उन्होंने शिरकत की और पोलियो की कारकर्दगी के हवाले से जहां पर उनको ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर सबसे बात करते हैं, सर फरमाइएगा कि कैसी रही इस बार पोलियो कैंपेन और क्या रिजल्ट है? सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफा जो पोलियो कैंपेन थी हमारी, चूंकि तैयारी भी बड़ी ज़बरदस्त की हुई थी, डेली हमने मीटिंग्स भी की हैं, डेली रात को हम इनको लेके बैठते थे, और आज एक तरह से आखिरी दिन है तो अभी आज भी हमने इसको रिव्यू किया है और शाम के टाइम, और मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल टारगेट हमारा 3,61,000 का था और तो इस दफ़ा लैया में टारगेट एक्सीड हुआ है और 101.6% यानी तकरीबन 6,500 बच्चे एक्स्ट्रा टारगेट से ज़्यादा कवर किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो 35 रिफ्यूज़ल आए थे जिन लोगों ने बच्चे कतरे बनाने से इनकार किया था, वो 35 के 35 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए हैं। इसके साथ साथ जो मिसिंग बच्चे थे वो 41,000 उनकी तादाद थी, उन 41,000 बच्चों में से आज सुबह तक तकरीबन 34,402 बच्चे कवर हो चुके थे और अभी रात तक हमें मजीद रिपोर्ट भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये जो 41,000 बच्चे मिस हो गए थे जो किसी वजह से घर में मौजूद नहीं थे, वो भी आज इंशाल्लाह 100% गवर्नमेंट को कंप्लायंस देंगे। जी, क्या समझते हैं जो पोलियो के हवाले से जो असाइनमेंट है या पोलियो का टारगेट अचीव करने की हिम्मत मिले वो पूरी हो रही है सर लैया के अंदर? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े मुतमईन हैं और अभी तक जिला लैया ने पोलियो फ्री होने का एजाज़ बरकरार रखा हुआ है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान और करम है।
हमारा महकमा सेहत और जो ज़िला इंतजामिया है उसका पूरा फोकस है, क्योंकि हमें इसलिए भी ज़्यादा खतरा है कि हमारे इर्द गिर्द के ज़िला में पोलियो के जो केस हैं वो सामने आए हैं, तो इस वजह से हम पहले से बहुत ज़्यादा विजिलेंट हैं। जी जी बिल्कुल, पोलियो के हवाले से जिला लैया जो है पोलियो फ्री है, और डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में SHO थाना ओल्ड कोतवाली अली रजा को क्लोज टू लाइन कर दिया गया। फ्राइज में गफलत बरतने पर SHO थाना ओल्ड कोतवाली को क्लोज टू लाइन किया गया। दो रोज कबल थाना ओल्ड कोतवाली के हदूद में होटल पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग का वाकया सामने आया था। फ्राइज में गफलत बरतने पर SHO थाना ओल्ड कोतवाली को क्लोज टू लाइन कर दिया गया है। SHO थाना ओल्ड कोतवाली अली रजा को क्लोज टू लाइन कर दिया गया। दो रोज कबल थाना ओल्ड कोतवाली के हदूद में होटल पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग का वाकया सामने आया था। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, SHO थाना ओल्ड कोतवाली अली रजा को क्लोज टू लाइन कर दिया गया। फ्राइज में गफलत बरतने पर SHO थाना ओल्ड कोतवाली को क्लोज टू लाइन कर दिया गया है। दो रोज कबल थाना ओल्ड कोतवाली के हदूद में होटल पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग का वाकया सामने आया था। मुसल्ला अफराद की फायरिंग का वाकया सामने आने पर फ्राइज में गफलत बरतने पर SHO थाना ओल्ड कोतवाली को क्लोज टू लाइन किया गया है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, SHO थाना ओल्ड कोतवाली अली रजा को क्लोज टू लाइन कर दिया गया। दो रोज कबल थाना ओल्ड कोतवाली के हदूद में होटल पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग का वाकया सामने आया था। सरगोधा झावरिया में ट्रांसपोर्टर के दरमियान एक माह से जारी तनाजा शिद्दत अख्तियार कर गया। हुकूमती शख्सियत के इमाम पर बासर ग्रुप ने पुराने ट्रांसपोर्टर्स को भगाकर अड्डे पर कब्जा कर गए। मुखालफिन की गाड़ियां थाने में बंद करवा दी। मुतासर ट्रांसपोर्टर मेहर खुदादाद और महर जाफर अब्बास के सरगोधा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आइए आपको दिखाते हैं। नदीम अजरचंद और उसके कुछ करिंदे झावरिया में उन्होंने आके अड्डे पे गाड़ियां चलानी शुरू कर दी और साथ में मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी कि अपना अड्डा बंद कर दो या फिर पैसे हमें देके जाना है। तो मैंने ऐसा ना किया, उन्होंने मेरे मुकाबले में गाड़ियां लगाने शुरू कर दी। एक माह तो वो मेरा मुकाबला करते रहे, उसके बाद उन्होंने पुलिस की मदद से मेरी गाड़ियां कुछ थाने बंद कर दी और बाकी रोक दी और मुझे अड्डे से फारिग कर दिया और कहा कि घर जाओ और ये अपनी गाड़ियां भी घर ले जाओ। अड्डे की मंजूरी भी आए मेरे पास और मेरी गाड़ियों के रूट भी हैं। इन सब होने के बावजूद उन्होंने मेरी गाड़ी रोक दी है और अब मुझे साथ में धमकियां भी दी जा रही हैं कि आइंदा अड्डा चलाने की कोशिश की तो हम तुम्हें मंशियात और दहशतगर्दी के मुकदमों में मुलव्वस करेंगे। और पुलिस की मदद से उन्होंने मेरी गाड़ी आप चलने से रोक दी है, तो मेहरबानी फरमा कर आला काम से मेरी अपील है कि मेरी इमदाद की जाए। अभी आपको बताएं कि मैपको मुल्तान सर्कल की रवां माली साल के दौरान सार्फिन से वसूलियां, सार्फिन से बिलिंग की मद में 19 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरियां की गईं। मुल्तान मैपको की प्रोग्रेसिव रिकवरी की शरह 102.6% रही। मुल्तान सर्कल में घरेलू सार्फिन से रिकवरी की शरह 104.9% रही। कमर्शियल सार्फिन से रिकवरी की शरह 98.5% रही। इसी तरह जनरल सर्विसेज कनेक्शन से रिकवरी की शरह 89.9% रही है, जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मैपको मुल्तान सर्कल की रवा माली साल के दौरान सार्फिन से वसूलियां, सार्फिन से बिलिंग की मद में 19 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद की रिकवरी की गई। मैपको की प्रोग्रेसिव रिकवरी की शरह 102.6% रही। मुल्तान सर्कल में घरेलू सार्फिन से रिकवरी की शरह 104.9% रही। कमर्शियल सार्फिन से रिकवरी की शरह 98.5% रही, जबकि जनरल सर्विसेज कनेक्शन से रिकवरी की शरह 89.9% रही। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सोशल वेलफेयर ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिलादुल नबी और सीरतुल नबी के हवाले से आगाही लेक्चर का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बातचीत की गई। जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सोशल वेलफेयर ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिलादुल नबी और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आगाही लेक्चर का इनेकाद किया गया। तकरीब में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की गई।
जर्मन सफीर बेनहार्ड ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो मुल्तान की खूबसूरती के मद्दा हैं, वो मुल्तान की खूबसूरती से बहुत मुतासर हुए हैं। जर्मन सफीर बेनहार्ड का कहना था कि बरसगीर का एक कदीम शहर होने के नाते मुल्तान की तारीख और सकाफत बहुत पुरानी है। यहाँ के मजारात की फन तमीर इस शहर के हुस्न को चार चांद लगाती हैं। वो मजारात और औलिया सूफियाना के किस्से सुनकर बहुत महजूज हुए हैं। मुल्तान में एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की चा बूटे वाला आमद हुई। एडिशनल आईजी की सुबह वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक से उनके चचा के इंतकाल पर ताजियत की और मरहूम के लिए मकफत भी की है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की चा बूटे वाला आमद हुई। एडिशनल आईजी की सुबह वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक से उनके चचा के इंतकाल पर ताजियत और मरहूम के लिए मकफत की दवा की। यह मुनाजरा मुलाहजा कर सकते हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की चा बूटे वाला आमद हुई। मुल्तान में पुलिस थाना दहली गेट की मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग के खिलाफ कार्रवाई। खालदी गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 1 मोटरसाइकिल और 70,000 रुपये नकदी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में सरखना खालिद उर्फ खालदी, मोहम्मद अब्दुल्ला और उमर फारूक शामिल हैं। SHO दहली गेट सब इंस्पेक्टर जियाउर रहमान ने टीम के हमरा मुलजिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मोटरसाइकिल चोरी के 8 मुकदमात में मुलविस थे। मजीद जानते हैं माहर इमरान से। इमरान बताइएगा। महारिमान से हम रब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले आपको बताएं कि मुल्तान में पुलिस थाना दहली गेट की मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई। खालदी गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान से 1 मोटरसाइकिल 70,000 रुपये नकदी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान में सरगना खालिद उर्फ खालदी, मोहम्मद अब्दुल्ला और उमर फारूक शामिल हैं। SHO दहली गेट सब इंस्पेक्टर जियाउर रहमान ने टीम के हमरा मुलजिमान को अरेस्ट भी कर लिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान मोटरसाइकिल चोरी के 8 मुकदमात में मुलविस निकले हैं। खालदी गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे मुतालिक हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। अभी आपको बताएं कि DG नादरा सरगोधा रीजन नवीद जान साहबजादा ने मियांवाली का विजिट किया है। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत से छुपे हुए मसाइल सामने आए हैं। अख्तर मजाज की रिपोर्ट। नादरा सरगोधा रीजन नवीद जान साहबजादा ने मियांवाली का दौरा किया। रेडियो पाकिस्तान के शो में लाइव कॉल के जरिए लोगों की शिकायत सुनी और फौरी हल के अहकाम जारी किए। उन्होंने बताया कि रेडियो प्रोग्राम के जरिए खुली कचहरी में आने वाली कॉल से छुपे हुए मसाइल सामने आए हैं। मियांवाली से कोई 100 से 120 कॉल्स आई है जो कम्प्लेन हमने रिजोल्व किए और ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह चलता रहेगा। पब्लिक को बड़ी आसानियाँ इसकी वजह से हुई है। जो नादरा के सिस्टम में जो हमारे कुछ खामियां ये कुछ कमियां रह गई थी वो भी पब्लिक से जब फेस टू फेस हमने इंटरेक्ट किया रेडियो प्रोग्राम में तो उनका उनसे पता चला कि उनके मसाइल क्या है। नवीद जान साहबजादा ने बताया कि मियांवाली में खवातीन की सहूलियात के लिए अलग खवातीन सेंटर कायम किया गया है जिसमें खवातीन ऑफिसर ही खवातीन को सहूलियात फराहम करेंगी। सरगोधा रीजन के दीगर इलाकों में भी अलग खवातीन सेंटर कायम किए जाएंगे। नादरा सेंटर मियांवाली में फीमेल एक अलग सेंटर बनाने के लिए तो उस पर अल्लाह ताला ने हमें ये अता की फैसिलिटी और हमने इसको इनॉग्रेट किया 15 सितंबर से। तो 15 सितंबर से खवातीन के लिए एक सेपरेट दफ्तर हमारा इस वक्त ऑपरेशनल है जिसमें तमाम स्टाफ खवातीन है। हमारे जो अफसर है वहाँ पे वो भी खातून है। DG नादरा ने मजीद कहा कि शिनाख्ती कार्ड के हसूल के लिए नादरा कोशिश कर रहा है कि मजीद आसानियाँ पैदा की जाएं ताकि शहरियों का कम वक्त में मुकम्मल काम हो सके। कैमरामैन शेराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। प्रिंसिपल कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर आज रिटायर हो गए। मुख्तलिफ शोबाजात के सरबाहान और स्टाफ ने उन्हें फूलों और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन ने डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया। अहवाल जान लेते हैं अतहर लशारी से। अतहर बताइएगा। जैसे कि प्रिंसिपल कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार हुसैन साहब आज अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो रहे हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो सरबराहान हैं आज वो आए हैं उन्हें अलविदा करने के लिए। गुलदस्ते जो हैं वो भी पेश किए जा रहे हैं। उनकी फैमिली जो है वो भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। उन्हीं से बात करेंगे। सर फरमाइएगा, बहुत तवील सफर जो है वो किया महकमा हेल्थ की खिदमत की, कैसी महसूसात हैं और आखिरी जो आपका रिटायरमेंट का दिन है वो भावलपुर से आप ले रहे हैं रिटायरमेंट, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने इतना अरसा तकरीबन 33 साल हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सर्विस की है जिसमें कि मैंने 11 साल बतौर सरबराह मुख्तलिफ इदाराजात सर्विस की है और आखिरी मेरी सर्विस जो है आज कायद आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर से ख़त्म हो रही है। ये मेरे लिए बहुत ही बायस इफ्तखार और बायस मुसरत है कि
कि मैं इस प्रेस्टीजियस और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हो रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ और हम इस रिटायरमेंट पे खुश हैं क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और अब एक नए सिरे से हम अपने तौर पे मजीद जो है वो अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज BVH सिविल स्टाफ का कैसा रहा साथ, दोस्तों का साथ कैसा रहा यहाँ पे? जी बिल्कुल, कोई भी लीडर जो है उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसके साथ टीम अच्छी ना हो। मैं मुझे कहने में कोई इसमें वो नहीं है हुज्जत कि यहाँ के जो मेरी एकेडमिक काउंसिल थी, जो मेरे फैकल्टी मेंबर्स थे और डॉक्टर साहबान और बाकी MS साहबान, बहुत ही दोस्ताना हमारा माहौल रहा है और हर मामले में हमने मुशावरत की है और उसके ऊपर हमने मिलकर एज ए टीम वर्क काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ये अरसा अगरचे कलील था लेकिन हमने इसमें बहुत सारी कामयाबियाँ भी हासिल की हैं कॉलेज के लिए, मरीजों के लिए, खासतौर पर हस्पताल के लिए। और जैसे कि हमने एक अलहदा कार्डियक एमरजेंसी जो बनाई है वो बहावलपुर के आवाम के लिए तोहफा है कि उनकी जो है एमरजेंसी में वो फौरी तौर पर दिल के अमराज की एमरजेंसी के लिए पहुँचें और इंशाल्लाह वहाँ उनको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा, बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस हैं जी, नेक तमन्नाएं हैं प्रोफेसर अतहर, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे एमरजेंसी की सूरत में निश्तर अस्पताल मुल्तान में खिदमत मरकज की जानिब से जारी किए गए डॉक्ट के अदाद शुमार हासिल कर लिए गए। निश्तर अस्पताल के खिदमत सेंटर से रवामा मुतासरीन को 2000 मेडिकल सर्टिफिकेट मौका पर जारी किए गए। मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करने के तरीकाकार के हवाले से मजीद जानते हैं माहर इमरान से। इमरान बताइएगा क्या प्रोसेस है? इस वक्त हम निस्तर अस्पताल के खिदमत सेंटर पर मौजूद हुए हैं और ये खिदमत सेंटर 2018 में PTI हुकूमत की जानिब से बनाया गया था और ये इस मकसद के लिए बनाया गया था कि जो भी लड़ाई झगड़े या दीगर केसेस में मजरूब यहाँ पे आते हैं तो उनको थाने जाने की बजाय इमरजेंसी में जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहीं से डाकट जारी किया जाए ताकि उनकी जो कार्रवाई होती है, जो जख्मी होते हैं, जो मजरूब होते हैं, वो यहीं से चल पड़े। मेरा कैमरामैन अगर यहाँ पे दिखाए तो हम इस वक्त खिदमत सेंटर में मौजूद हैं जहाँ पे काम जो है वो जारी है। 24 घंटे ये खिदमत सेंटर ऑन रहता है और यहाँ पे जो है जो भी मजरूब आते हैं, जख्मी आते हैं, सबसे पहले यहाँ से इनसे रजू करते हैं और ये मुतलका थाने से रजू करने के बाद उनको डाकट जारी करते हैं ताकि FIR दर्ज हो सके और उसके बाद MLC का जो एक प्रोसेस होता है वो यहाँ से इनकी इजाजत के बाद जो है वो जारी होता है। अगर बात करें अब तक की, जब से ये सेंटर बनाया गया है तो 4272 जो MLC जो डाकट थे, जो केस रजिस्टर्ड हुए वो यहाँ पे हुए और एक महीने में रवा माह में अक्टूबर की बात करें तो 200 जो दरखास्तें थी, 200 MLC थे वो यहाँ से जो है वो जारी हुए इनकी इजाजत के बाद। तो ये खिदमत सेंटर इसलिए बनाया गया था कि लोग जो जख्मी होते थे वो थानों में रहते थे और थानों में एक पुलिस अहलकार के साथ यहाँ पे आते थे, उस दौरान जो उनका इलाज। इमरान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। DPO DG खान उमर सईद मलिक का सखी सर्वर का पहला दौरा, थाना सखी सर्वर में अम कमेटी के मेंबरान, मजहबी जमातों के रहनुमाओं समेत पुलिस अफसरान ने मीटिंग की। मीटिंग में DSP सदर सर्कल महद नासिर, साबिक मंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DG खान उमर सईद मलिक ने कहा कि करप्शन के में और थाना कल्चर की तब्दीली के लिए उनका साथ दे, क्राइम का खात्मा करते हुए DG खान को अम का गहवारा बनाएंगे, गरीब मजलूम आवाम तक इंसाफ फ्राहम करेंगे, पुलिस में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, करप्ट पुलिस अफसरान और अहलकारों की कोई गुंजाइश नहीं। अंजुमन ताजरान की जानिब से DPO उमर सईद मलिक की दस्तारबंदी भी की गई। बहावलपुर में स्कूल्स के क्लासरूम्स की तामीर के लिए फंड्स की डिमांड कर दी गई। प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन यूनिट के डायरेक्टर को एक्शन बिल्डिंग वन ताहिर वहीद ने खत लिख दिया। मंजूरशुदा फंड्स में बकाया रह जाने वाली रकम 3,47,00,000 रुपए मांग लिए गए। प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन यूनिट PMIU को एक्शन बिल्डिंग वन ताहिर वहीद ने खत लिखा है जिसके मुताबिक स्कूल्स में तामीर होने वाले नए क्लासरूम्स के मंजूरशुदा फंड में से बकाया रह जाने वाली रकम 3,74,00,000 रुपए दिए जाएं। अमसाल नए क्लास रूम्स की तामीर के लिए 18,96,00,000 रुपए मंजूर हुए थे जिनमें से डिप्टी कमिश्नर को 15,22,00,000 रुपए के फंड्स भेजे जा चुके मगर एक बकाया किस्त के ना आने पर मुतादिद स्कूल्स की बिल्डिंग जेर तामीर है।
बहावलपुर में तकरीबन दो साल बाद मॉडल बाजार के असर नौ तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मॉडल बाजार की तामीर का अमल छह माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहावलपुर की ताजिर बरादरी के लिए अच्छी खबर है कि दो साल बाद मॉडल बाजार के असर नौ तामीर का काम शुरू कर दिया गया। दो साल कबल मॉडल बाजार में आतिशबाजी का बायस 210 दुकानें जल गई थी। मॉडल बाजार की तामीर का अमल छह माह में मुकम्मल किया जाएगा। मॉडल बाजार 12 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में 166 दुकानें तामीर की जा रही हैं जो ताजिर बरादरी की कोरअंदाजी के जरिए अलॉट कर दी जाएंगी। मुल्तान बाबर थिएटर में फैमिली ड्रामा लड़की ब्यूटीफुल जारी है। ड्रामे में शहर मुल्तान की मरूफ फीमेल अदाकारा पिंकश खान भी परफॉर्म कर रही हैं। मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबर थिएटर में जहां पर फैमिली ड्रामा लड़की ब्यूटीफुल जारी है, जिसमें शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा पिंकिश जो है वो भी परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है शहरियों का इस हवाले से और आपका किरदार? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिल रहा है और ये जो ड्रामा जा रहा है इसमें मेरा किरदार है कि जो हमने सेट के ऊपर मंगनी होती है तो मैं मंगनी के अंदर होती हूँ, इन्वाइट होती हूँ। जैसे कि एक वैफ किसी फंक्शन पे जाती है इसलिए, और मैं उनके फंक्शन पे जाती हूँ और मंगनी होती है, मंगनी के ऊपर मैं उनके इन्वाइटेड होती हूँ। अगर हम तवाइफा की जिंदगी की बात करते हैं तो इस ड्रामे में उस तवाइफा का किरदार अदा करके आपको कैसा लगा और आप क्या समझती हैं एक तवाइफा की जिंदगी क्या है? जो जिंदगी होती है वो बहुत मुश्किल होती है और वो इस तरह होती है कि जैसे टिश्यू पेपर होता है, दिल उनका इस तरह होता है टिश्यू पेपर की तरह। और मैं तो माशरे को यही कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हैं तवाइफ या जितनी भी शीमेल्स हैं सबकी रिस्पेक्ट करें और इज्जत करें। शहर मुल्तान की मारूफ अदाकारा पिंकिश मौजूद थी जिनके सवाले से ये कहना था कि एक तवाइफा का किरदार अदा कर रही है। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।